बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। तो गाइज़, मेरे पास ये कुछ एमसीक्यूज़ से कुछ ना रिक्वेस्ट आई थी कि ना हिस्टोलॉजी के एमसीक्यूज़ चाहिए। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और मैंने कुछ को पीडीएफ भी सेंड किए हैं, लेकिन ना अब हर एक को तो पीडीएफ बार बार सेंड करना मुश्किल था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें वीडियो बना देता हूँ। ये हिस्टोलॉजी के जो है ना, ये पास्ट यूएचएस के मोस्टली जो है एमसीक्यूज़, आप ये देखते जाएँ। मैं ऐसे ऐसे स्क्रोल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, और एंड तक आप देखेंगे तो एंड पे मैंने ना इसका स्क्रीनशॉट, अगर आप यूँ पढ़ सकते हैं तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो आप स्क्रीनशॉट लेके ना अपने जो है ना वो प्रिंट करवा लें कि किसी भी शॉप से इजीली हो जाता है, 5-10 रुपये का फी प्रिंट हो जाता है। तो आप वो करवा के, अगर आपसे सॉफ्ट कापी नहीं पढ़ी जाती तो हार्ड कापी पढ़ लें। देखें, ये मैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ अपने जो है ना प्रॉफ के अंदर पढ़ता रहा था, या जो होते हैं ना जिसे आप कहते हैं यार सेंड अप, उसके अंदर मैंने 3 से 4 मरतबा बस एंड वाले दिनों में बुक्स ली थी। तो अभी मैंने सोचा चलें यार आपके साथ शेयर कर दूँ, आपको ये बुक का ख़र्चा ना करना पड़े। मुझे पता है कि ये बुक्स जो है ना वो इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन बुक शॉप वाले फिर वो महंगी करके भेज देते हैं। मुझे भी काफ़ी महंगी मिली हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यार चलें किसी का भला हो जाए। अब हर कोई तो इतनी ज़्यादा बुक्स अफोर्ड नहीं ना कर पाएगा। आप जस्ट एक छोटी सी वीडियो यहीं से छोटी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, सॉफ्ट कॉपी भी देखें, पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि नेक्स्ट दौर जो है ना वो सारे का सारा आईटी का चल रहा है। अब आप वही वो पुराने बाबों वाली जो है ना वो हार्ड कॉपी के पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब हार्ड कॉपी पढ़नी है, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना शुरू करें, आपकी बहुत ज़्यादा ना जो एक कहते हैं ना बचत हो जाएगी। हाँ, नो डाउट, अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं तो इसमें इतनी कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर बहुत ना कुछ एमसीक्यूज़ गलत भी लिखे हुए हैं, जो मैंने जो मुझे ठीक लगे मैंने ठीक कर दिए हैं, बाकी आपने खुद देख लेने हैं। और इनके अंदर से एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। देखें, पूरी एनाटॉमी के मैं अब एमसीक्यूज़ अपलोड करने जा रहा हूँ। पहले मैंने बायोकेम के किए थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो फिजियो के भी करूँगा मैं। आप ये इसके ले लें, ये आहिस्ता आहिस्ता से आप या तो वीडियो को स्लो कर लें, 3 आपको डॉट ऊपर वीडियो पे नज़र आ रहे होंगे, वहाँ जाके ना वीडियो की एक तो क्वालिटी जो है ना वो मैक्सिमम करें, और उसके बाद जो है ना आप इसकी वीडियो अगर यूँ फास्ट में ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप स्लो करके तो इजीली ना इसकी पिक्चर्स ले सकते हैं। एंड पे आपको ना मैं चलें प्रॉपर ना इसका बताता हूँ, क्योंकि देखो यार ये पीडीएफ सेंड करना मेरे लिए भी अजाब है। अब यूँ मेरे चैनल पढ़े होंगे, कोई भी जाके ना वहाँ से उठा के देख सकता है। पीडीएफ मैंने इतने लोगों को सेंड किए, इतने लोगों को सेंड किए, मैं खुद थक चुका हूँ। अब मैं इसका यही हल था मेरे पास लास्ट, मेरे भी टाइम की बचत, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी भी क्लासेस चल रही हैं। तो इसके अंदर अच्छा मैंने कुछ ना वो फ़नी निमोनिक्स भी बनाए हुए हैं, प्लीज़ आपने हंसना नहीं है। मैंने बस अपनी ना कम्फर्ट के लिए, आप ये निमोनिक बना के याद करेंगे तो आपको टक करके ना एमसीक्यूज़ लगेंगे, और निमोनिक ही काम आती हैं ये कंसेप्ट वगैरह ना अमूमन रह जाता है जहाँ पे, फिर निमोनिक जब काम आते हैं आपको फिर पता चलता है वाह क्या क्या बात है। कंसेप्ट भी चलता है लेकिन निमोनिक ना जब उसके साथ तड़का लग जाए ना, एक होती है रोटी खाना, एक होती है कि वो सलाद के साथ खाना, तो ये निमोनिक जस्ट लाइक वो सैलड का काम करते हैं कि आपको मज़ा देते हैं एक वो ना एमसीक्यूज़ हल करने का। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, आप अपने लिहाज से अपना एडजस्ट करें। ये जस्ट ये 4 मिनट की मैक्सिमम वीडियो है, 4 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप ये चीज़ ये तो गाइस, अभी ये सारे के सारे जो है ना वो हो चुके हैं। अब मैं दूसरे तरीके से आपको देता हूँ, अगर वैसे आपसे नहीं लिए गए तो यूँ मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, एक मिनट, अब ठीक है, अब लेते जाएं प्लीज़ स्क्रीनशॉट। जिसे वैसे नहीं मिले तो जिस तरीके से आपको इजी हो, क्योंकि जब अपलोड करने के दौरान ना वो वीडियो कोई छोटी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं दोनों वे से ना अपलोड कर रहा हूँ। आपने घबराना नहीं है, इमरान खान की तरह इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन पढ़े और अल्लाह से मदद मांगे। और प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि चीटिंग से गुरेज किया करें। देखें, हराम से कमाया हुआ ना पूरे हलाल की कमाई को ज़ाया कर देता है। नो डाउट, मैं इतना कोई हाजी वगैरह भी नहीं हूँ, मैं भी एक गुनाहगार सा ही आदमी हूँ, अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश करे, लेकिन फिर भी यार जितनी मुझसे कोशिश होती है मैं बचने की कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे।
आपको भी यही कहूँगा कि मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दें, और प्लीज़ दूसरों की मदद किया करें। आपके पास अगर कोई MCQs हैं वो आप दूसरों को सेंड करें, नहीं तो यही MCQs आगे किसी दूसरे को सेंड कर दें, मे भी किसी की हेल्प हो जाए, किसी के MCQs ठीक हो जाए, कोई एक नंबर से फेल हो रहा हो यहीं से वो MCQs पढ़ा और वो पास हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो आपने देख लेनी है।